हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं छत पे गई थी कपड़े लाने, और अभी राजा बेटा सो रहे हैं, तो मैं फिर से जा रही हूँ छत पे। तो चलिए चलते हैं छत पे। तो देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे। और छत पे क्या करना था ना, गेहूँ डला हुआ था तो उसी को इकट्ठा करना था, उठाना था। तो बहुत ज़्यादा गेहूँ था, बहुत टाइम लग गया था। क्या हुआ था ना कि गेहूँ रखा था तो वही उसमें कीड़े जो काले वाले नहीं होते हैं, वही थोड़े थोड़े लग गए हैं। तो इसी वजह से अभी धुला नहीं है, बस ऐसे ही धूप में डाला गया है अभी। तो शाम का टाइम है तो ऐसे फैलाए छोड़ना ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने इकट्ठा ही बस कर दिया। अभी कल ये धुलेगा तो मैंने इसको, देखिए यहाँ पर मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और राजा बेटा सो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो तब तक कर लेती हूँ, और जब उठेंगे तो फिर इनको भी छत पे लाऊंगी, थोड़ा खेल लेंगे छत पे। तो ये महीने में मतलब ये काम 2 बार करना ही पड़ता है, गेहूँ धुलना, सुखाना, क्योंकि रोटी खाना है तो करना ही पड़ेगा। Inside of me, in this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? और यहाँ पे देखिए, मैंने इधर से सब कर दिया है, और इधर चावल भी धुल के डाला हुआ था कि इसका भी आटा मतलब बनवाना है, मम्मी जी कहीं के आटा पिसाना है तो इसको। और यहाँ पे मैं नीचे आई थी, फिर राजा बेटा को ले गई थी क्योंकि ये जग गए थे, जग के चिल्ला रहे थे। तो मैं वो मोबाइल ऊपर लेके गई थी, इनके पापा फ़ोन किए थे कि आओ जग गए बाबू, तो मैं इनको लेके आई। वॉकर भी लेते आई, तो यहाँ खेल रहे हैं अपना आराम से। जब तक ये खेल रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ सारा काम। और मम्मी जी इसको छान रही थी, जो मतलब कह रही थी कि इसे छानने से जो कीड़े वड़े हैं सब निकल जाएंगे, एक दो जो हैं, और फिर कल भी धूप दिखाया जाएगा। तो वही, और यहाँ पे जो ड्रम रखा गया था जिसमें गेहूँ, तो उसको भी सुखाने के लिए यहाँ पे रखा गया था। इसी से राजा बेटा खेल रहे हैं यहाँ पे। Inside of me, in this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? और देखिए, यहाँ पर मेरा सारा गेहूँ इकट्ठा हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, राजा बेटा भी भूखे हैं। तो और मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था मीशो से, तो वही देखिए यहाँ पे वही आ गया था, तो भी बोलने लगा था, इस वजह से मैं जल्दी आ गई। और अभी थोड़ा झाड़ू लगाना था, बट मम्मी जी कहेंगे हम लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने रोज़ जेल मंगाया था और स्क्रब,
और यहाँ पे देखिए मैं पैकेट खोल रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा है जेल, मतलब बहुत ज़्यादा जेल तो मैंने मतलब लगाया हुआ है लेकिन स्क्रब मैंने अभी यूज नहीं किया है कि मतलब कैसा है ये, बट मैं तो रोज़ जेल लगाया करती हूँ तो जेल अच्छा है। और स्क्रब भी मैं अगर अच्छा लगा ना तो आप लोग शेयर करूँगी, महंगा भी नहीं है, दोनों 180 रुपये में दोनों मिल गया, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था तो ही मैंने सोचा आप लोग शेयर कर दूँ। तो देखिए अब पैकिंग भी बहुत अच्छा था, आप देखिए कितना अच्छे से पैक। देखिए यहाँ पे ये है स्क्रब और जेल भी है, जेल तो मैंने यूज किया हुआ है बट अभी स्क्रब मेरे लिए न्यू है ये, मतलब तो देखते हैं कैसा है बट अच्छा है, मिक्स फ्रूट का है। और इधर राजा बेटा भी जग गए थे तो भी परेशान कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो अब मैं रख देती हूँ। देखिए पैकिंग जो पैकेट था मैं उधर रख देती हूँ, डस्टबिन में डाल दूँगी। और यहाँ पे राजा बेटा को थोड़ा शाम हो गया, तो इनको घूमने भी जाना रहता है ना, तो इनको मैं रेडी कर दे रही हूँ, थोड़ा घूम के आएंगे तो इनको मैं कंघी लगा दे रही हूँ और क्रीम और काजल लगा देती हूँ तो घूम के आ जाते हैं। वैसे भी घर में अब तो 8 मंथ के हो गए तो इतनी बदमाशी बैठ के मतलब नीचे बैठ रहे हैं, नीचे चल रहे हैं तो कपड़े भी गंदा खूब करते हैं, कुछ भी खाने लगते हैं तो गिराते भी हैं, तो इसी वजह से इनको साफ़ सफाई रखना पड़ता है। अब ये चले जाएंगे घूमने और तब तक मैं किचन का काम कर लूँगी और मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।